पार्ट टाइम एक से दो घंटे लगा करके 20,000 रुपया कमा सकते हैं, 25,000-30,000 रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, शानदार चल रही थी, मुझे आरसीएम क्यों करना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी थी आरसीएम करने की, क्यों करना पड़ गया आरसीएम, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। कई लोगों का सवाल है, कई लोगों का मेल और कई लोगों का फोन भी मेरे पास आया है कि सर आपने आरसीएम इतना बढ़िया तो काम आपका चल रहा था, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, फिर आपने आरसीएम क्यों किया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने आरसीएम को क्यों किया। दोस्तों बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, जो मैं काम करता था फैक्ट्री में, मैं काम करता था और फैक्ट्री से जो मेरी इनकम होती थी लगभग महीने की 30,000 रुपए से, इससे प्लस की इनकम मेरी हो जाती थी, 30,000 से ज्यादा मैं कमा लेता था। यानी मैं अगर बात करूं पर डे की अगर मैं बात करूं तो पर डे कम से कम की बात करूं 1,000 रुपया मैं कमा लेता था, जो कि कमाते मैं लगभग मुझे कितना साल हो गया था, तो फैक्ट्री में मुझे काम करते हुए 12 साल हो गया था। 12 साल से मैं काम कर रहा था, रोज का 12 साल काम करते हुए 10 घंटे से लेकर के 12 घंटे मुझे काम पे जाना पड़ता था, 10 से 12 घंटे काम करने के बाद मुझे महीने की 30,000 रुपया या यूं कहें तो 25,000 रुपया से लेकर के 30,000 रुपये की इनकम मुझे महीने की मिला करती थी। ये 12 साल का एक्सपीरियंस, 10-12 घंटे रोज का काम करने के बाद रोज अपना समय बेचता था, अपना एनर्जी लेवल बेचता था, अपनी नॉलेज को बेचता था, अपने शरीर को दूसरे के हवाले करने के बाद 12 घंटे के बाद मुझे महीने का यानी पर डे का 1,000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये या 1,200 रुपये की दिहाड़ी रोज की मेरी बन जाती थी, और महीने की बात करें तो 25,000 से 30,000 रुपये की इनकम मेरी हो जाती थी। अपना सब कुछ बेचने के बाद जो मेरे पास कला, एनर्जी है, तजुर्बा है, सब कुछ 12 साल से बेच रहा था और इतने ही पैसे कमा रहा था। इसी बीच में घटना घटी, एक बहुत खतरनाक घटना, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सन 2020 में सबको पता है कि लॉकडाउन लगा, सबको पता है कि लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ, ये जो मेरी इनकम थी ये बिल्कुल जीरो हो गई। ये 30,000 जो मुझे महीने का आता था, ये 30,000 रुपया मेरा महीने का जीरो पर चला गया। कितने महीने के लिए जीरो पे चला गया, तो ये लगभग 3 महीने के लिए, 3 माह के लिए ये पैसा मेरा बिल्कुल जीरो पे चला गया। कोई भी पैसा फैक्ट्री से नहीं आ रहा था, फैक्ट्री से कोई भी इनकम आने का मेरा रास्ता नहीं था। कहते हैं दोस्तों, काम बंद तो पैसा बंद, फैक्ट्री छूट गई तो पैसा बंद, आप बीमार पड़ गए तो पैसा बंद, आप किसी शहर में रहते हो गांव चले गए तो आपका पैसा बंद, आपके शरीर में कोई फॉल्ट आ गया, कोई दिक्कत आ गई मशीनरी में, जिस हाथ से काम करते हो हाथ में कुछ हो गया तो पैसा बंद। आप सही दिशा में जा रहे हो, आप सही जगह पे जा रहे हो, आप अपने काम पे जा रहे हो, लेकिन हो सकता है सामने से आने वाला आपके साथ टकरा जाए और इससे भी आपके साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है और आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो कभी भी कुछ होता है तो आपका पैसा बंद, यानी कोई भी दिक्कत आई पैसा बंद। तो ये मेरा पैसा बंद हो गया था क्योंकि लॉकडाउन था, प्रदेश बंद था, 3 महीने के लिए मैं जीरो पे चला गया। 12 साल का तजुर्बा, 10 से 12 घंटा काम करने का एक्सपीरियंस, सब क्या हो गया, जीरो हो गया दोस्तों, बिल्कुल जीरो पे चला गया। उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि हम भूखे रह नहीं सकते हैं, नंगे रह नहीं सकते हैं, कपड़ा तो हमें पहनना ही पड़ेगा, खाना तो हमें खाना ही पड़ेगा, और शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, तो उनका भी पेट हमें देखना ही पड़ेगा। अब कोई इनकम सोर्स हमारे पास था नहीं, पैसा आने का कोई रास्ता था नहीं, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे पैसे आने का। उसी बीच में एक उम्मीद की किरण जगती, कहते हैं ऊपर वाला जब सारे दरवाजे बंद करता है तो एक दरवाजा जरूर खोलता है। वो जो नया दरवाजा मुझे मिला, जो नया दरवाजा मेरे सामने खुला, जो मेरी जिंदगी को बहुत तेजी से बदलाव लेके आया, मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाया, जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम की शुरुआत किया सन 2020, जैसे मैं आप बता रहा हूं सन 2020 में, उसी बीच में आरसीएम आया और आरसीएम की मैंने शुरुआत किया। और शुरुआत करने के बाद इसमें क्या करना था, मैंने 1150 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, सामान खरीदा, और मेरे अकाउंट में 58 रुपए आए, अब दोस्तों यहां पर जब मैंने 1100 का सामान खरीदा तो 58 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाया, और लोगों ने कहा ये बेवकूफ है, ये काम खराब है, तुम्हारा ही पैसा तुम्हें कंपनी दे रही है, तुम गलत जगह पे फंस गए हो, आज ही उस जगह को छोड़ दो। दोस्तों मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जरिया नहीं था पैसे आने का। ये उम्मीद जगी कि चलो इतना करने के बाद अगर इतना पैसा आया, कुछ तो आया, मेरी पीढ़ियां खत्म हो गई, दादा परदादा उनके दादा सब लोगों ने बड़ी मेहनत किया लेकिन जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया, पापा भी गरीब रह गए, दादा भी गरीब रह गए, हम भी गरीब रह गए। तो एक उम्मीद जगी कि चलो आज तक 4 जनरेशन से लोग राशन खाते आए, किसी को कोई पैसा नहीं आया, लेकिन मैंने अपने एक दुकान को बदला तो मुझे पैसा आया। मैंने इस 58 रुपया को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ और उत्साहित होने के बाद मैंने इसको काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया, और सीखते समझते क्या हुआ, आज मैं
आरसीएम से, अगर मैं बात करूं आरसीएम से, तो महीने का मैं 20,000 रुपया से लेकर के और 30,000 रुपया महीना मैं इसमें कमाता हूं। इसके लिए मुझे कितना टाइम देना पड़ता है, तो इसके लिए दोस्तों मुझे जो टाइम देना पड़ता है वो 1 से लेकर के 2 घंटे मुझे देने पड़ते हैं। 1 से 2 घंटे में महीने का 20,000 से 30,000 रुपया मैं पार्ट टाइम में इसे कमाता हूँ। फुल टाइम काम में मैं अभी भी फैक्ट्री में करता हूँ। अब बात समझो दोस्तों, अगर आप पार्ट टाइम 1 से 2 घंटे लगा करके 20,000 रुपया कमा सकते हैं, 25,000-30,000 रुपया कमा सकते हैं, कहां मेरा फैक्ट्री में 12 साल का एक्सपीरियंस, 12 साल का तजुर्बा, 10 से 12 घंटे रोज का, वो मुझे कितना पे लेके जाता है, 25 से 30 हजार रुपए महीने पे लेके जाता है। उसके बावजूद भी इस फैक्ट्री में मैं नौकर बन के ही काम करता हूँ, और अगर मैं इस फैक्ट्री को मैंने चेंज कर दिया, फैक्ट्री के साथ मैंने आरसीएम को करना शुरू कर दिया, आरसीएम से 1 से 2 घंटे से मैं 20 से 30 हजार रुपया कमा रहा हूँ, और ये बिजनेस है। कहा जाता है एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। दोस्तों मैंने डिसाइड किया, अपने आप से डिसीजन लिया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि नहीं मैं फैक्ट्री के साथ में आरसीएम करूंगा, और फैक्ट्री के साथ अपने जॉब के साथ में, अपने काम के साथ में, अपनी नौकरी के साथ मैंने आरसीएम को पार्ट टाइम किया। 2020 से इसमें 2024 चल रहा है, और इस समय मेरी इनकम इतने पर है, और अभी मैं जो इसमें लेवल है वो मेरा रॉयल्टी लेवल है। रॉयल्टी इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो जीने के साथ तो आती, मरने के बाद भी आती, 7 जनरेशन तक आती रहती है। तो आप भी अपनी जिंदगी में रॉयल्टी इनकम पाना चाहते हो, जो भी काम आप कर रहे हो उस काम के साथ में आरसीएम की शुरुआत कर दो, और आरसीएम की शुरुआत आप करो पार्ट टाइम से। इसको सीखना शुरू करो, समझना शुरू करो, इसके माहौल में जाना शुरू करो, सेमिनार में आना शुरू करो, इसकी किताब को पढ़ना शुरू करो। एक चैनल है न्यू एजुकेशन सिस्टम, एक चैनल आरसीएम का, उस पर आप चले जाओ, वहां पर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वहां प्ले लिस्ट में जाना, सब फोल्डर बाई फोल्डर सारी जानकारी वहां पर आपको प्रोडक्ट के बारे में मिलेगी। उसके बाद 6 बेसिक होता है इसमें, 6 बेसिक में 6 वीडियो आती है, 4 स्टेप होता है उसमें 8 वीडियो आती है, 7 कार्डिनल रूल होते हैं उसमें 7 वीडियो होती है, टोटल 21 वीडियो अगर आपने सही से देख लिया, 21 बार देख लिया आपने, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इसमें बढ़िया पैसा कमा सकते हो, अच्छी जिंदगी जी सकते हो। आज आप क्या हो भूल जाओ, आज जो भी स्थिति परिस्थिति है, यदि बेहतर होना चाहते हो, चौमुखी विकास चाहते हो अपने जीवन में, चौमुखी का मतलब आपका पैसा भी बढ़े, आपकी वैल्यू भी बढ़े, आपका सम्मान भी हो, आपकी इज्जत भी इसमें मिले, आपको सम्मानित किया जाए, पैसा आए, स्वास्थ्य आए, परिवार आए, नए लोग आए, नए दोस्त आए, नई रिस्पेक्ट मिले, नई पहचान मिले, ये सब कुछ चाहते हो, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। आप आरसीएम बिजनेस में पार्ट टाइम काम करना शुरू करो, सीखना शुरू करो, समझना शुरू करो, आप जिंदगी में बहुत बेहतर यहां से पा सकते हो। 12 साल आज भी 25-30 हजार पे रखा है, 10-12 घंटे काम करने के बाद भी, और आरसीएम में 1 से 2 घंटे करके 25 से 20 से 30 हजार रुपया महीना पहुंचा दिया। कौन सा पैसा ज्यादा बड़ा, फैक्ट्री में ज्यादा बड़ा, या मैं जॉब करता था जॉब में ज्यादा बड़ा, या मुझे आरसीएम में ज्यादा बड़ा? दोस्तों यहां नहीं बड़ा, मुझे यहां पर ज्यादा बड़ा, क्योंकि ये काम अकेले से चलता है, और ये काम कभी भी मेरा बंद हो सकता है, जैसे मैंने बोला लॉकडाउन में बंद हो गया था, लेकिन ये काम कभी बंद नहीं होता है। क्यों नहीं बंद होता है? क्योंकि ये काम लोगों से चलता है, और जो काम लोगों से चलता है वो कभी बंद नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूं कि आपने सही तरीके से समझा होगा कि मैंने आरसीएम की शुरुआत कब किया और क्यों किया, किस तरह से किया, क्यों जरूरत पड़ी थी मुझे आरसीएम करने की, अपने फैक्ट्री वाले काम के साथ में, जॉब के साथ में क्यों किया, और आज के टाइम पे बहुत अच्छी मेरी पहचान, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन पहले से अभी बहुत अच्छी है, पहले 2020 और अब दोनों मिलाया जाए तो 20 से बढ़िया है। अभी 2024 मेरे लिए बहुत अच्छी मेरी पहचान बन चुकी है, बहुत अच्छे मेरे फैमिली बन चुकी है आरसीएम की, और बहुत बढ़िया मेरी इनकम बन चुकी है, सब कुछ बेहतर हो गया पहले से 2020 से लेकर के अभी 2024 में। तो आप भी अपने जीवन में वैल्यू एड करना चाहते हैं, अपने टाइम की वैल्यू, पैसों की वैल्यू, अपने सेहत को सही रखना चाहते हैं, पैसों को मल्टीप्लाई, टाइम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने मन पसंद पैसा लेना चाहते हैं, आप जितना चाहते हो उतना कमाना चाहते हैं, तो आप यहां से कमा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी नॉलेज दिया होगा, काफी जानकारी अच्छी दिया होगा, मोटिवेट भी किया होगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि इस तरह की वीडियो लगातार बताता रहूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, क्या अचीव कर रहा हूं, किस तरह से कर रहा हूं, सब आपको इस पर बताऊंगा। और मैंने एक वीडियो पिछले बनाया था कि आप वीडियो बनाकर पैसा कमा सकते हो, वो भी आप आसानी से कर सकते हो, उसके बारे में भी इसी चैनल पर मैं बताने वाला हूं। जब किसी को प्लान बताने जाते हो, किसी से कोई बात करते हो, कोई चीज सिखाते हो, समझाते हो, किसी को मोटिवेट करते हो, आप वो वीडियो बनाकर के यूट्यूब पे डालकर पैसा कमा सकते हो, जैसा मैं भी कमाता हूं, तो आप भी कमा सकते हो। मैं इस पर भी ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं एक एक करके, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपका एक शेयर, आपका एक वीडियो का शेयर कई लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन ला सकता है, बदलाव ला सकता है, तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। नेक्स्ट वीडियो कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊंगा, मैं प्रमोद मौर्य, तब तक अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय आरसीएम, जय हिंद।